तो इन मनवादियों को और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रास नहीं आ रही है कि गरीब परिवार के लड़के कैसे उच्च स्थानों पे जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि भारत हमारे विश्व का सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान शक्तिशाली बनेगा। अरे महोदय, यह भी तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का ही लड़का पढ़ेगा, वो किसी भी समुदाय का है, अगर उच्च पदों पे जाएगा तो आप ही का तो भारत का मस्तक ऊंचा होगा, कि और किसी का मकसद होगा? सीधा लड़ाई है, मुख्य मांग गरीब बनाम अमीरी की लड़ाई, लुटेरा बनाम कमेरा की लड़ाई है, कि गरीब जितने भी हैं उनको हटा दो, अमीर जितने भी हो अडानी अंबानी के ऊपर भी कर दो। सीधा सीधा करते, हम तो नहीं मनाए क्योंकि हम आजाद नहीं हुए साहब, छुआछूत से आज़ाद नहीं हुए, गरीबी अमीरी से आज़ाद नहीं हुए, जातिवाद से आज़ाद नहीं हुए हैं, उस पीते हुए बालक के का उससे हम आज़ाद नहीं हुए। आप देखिए कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये कुसी का जलोर का लड़का जो कच्चा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि जातिवाद क्या होता है, छुआछूत क्या होता। वो लड़का उसका कसूर था, प्यासा कोई भी हो भैया, जब वो पानी पीने गया तो उसको मार दिया जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक, मैं संजय मिटकर। आज हमारे साथ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता जितेंद्र राज खड़े हैं और इनका एक मामला चल रहा है, धरना भी चल रहा है फीस वृद्धि को लेकर। क्या मामला है सर पूरा? जो नई शिक्षा नीति आई, सीधा सीधा सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं प्राइवेटीकरण का तरीका, यह कहें कि UGC फंड बंद कर दिए तो हम लोग ले रहे हैं। माननीय महोदय, आप बढ़ाना चाहिए तो जो फीस 1400 है BA का तो 1500 करना चाहिए, BA LLB का फीस एक सेमेस्टर का 50,000 है तो उसको बढ़ा के आपको 55 करना चाहिए। लेकिन यह आलम इतना बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि फीस एक गुना नहीं, सीधा सीधा 4 गुना, 1% नहीं 400% फीस बढ़ा दिया जाता, जिससे तमाम आने वाले नौ प्रवेशी छात्र सदमे में हैं कि जिनके माँ बाप एक बच्चे का एडमिशन जो 50,000 में BA LLB कराते थे तो न जाने किन किन लोगों से सूद पे पैसा उधार लेके कराते थे, अब उनके बच्चे जब आएंगे तो एक सेमेस्टर का 2 लाख फीस जमा करना पड़ेगा, नहीं तो गरीब का लड़का जज बनने का सपना भी नहीं देख सकता। फिर गरीब तबके से परिवार आया हुआ लड़का 1400-1200 में अपना BA में एडमिशन ले लेता था, अब जो लड़का आएगा नए सत्र में BA, वो 14,000 उनको 4 गुना देना पड़ेगा। अब बताइए महोदय कि प्राइवेट कॉलेजों में 4,000-5,000 फीस लग रहा है और विश्वविद्यालय में भी 4,000-5,000 फीस लगेगा तो प्राइवेट और सरकारी संस्था का मतलब क्या हो जाएगा? इसका तो अब सीधा सीधा जनता को भी दिखाई देने लगेगा कि इनडायरेक्ट विश्वविद्यालय को भी प्राइवेटीकरण करना, यानी सीधा सीधा सवाल है कि जो गरीब तबके से आने वाले लोग, शिक्षा सबका सवाल है, शिक्षा से वंचित कर देना, क्योंकि उनको पता है कि जब विश्वविद्यालय में गरीब तबके के लोग आते हैं पढ़ते हैं तो कोई जज बनता है, कोई जिलाधिकारी बनता है, वहीं छात्र राजनीति करता है तो संसद में अपनी बात भी रखता है। तो इन मनवादियों को और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रास नहीं आ रही है कि गरीब परिवार के लड़के कैसे उच्च स्थानों पर जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि भारत हमारे विश्व का सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान शक्तिशाली बनेगा। अरे महोदय, यह भी तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का ही लड़का पढ़ेगा, वो किसी भी समुदाय का है, अगर उच्च पदों पे जाएगा तो आप ही का तो भारत का मस्तक ऊंचा होगा, कि और किसी का मकसद होगा? ये झूठी इन लोगों का देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, ये दिखावा है। आप रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मकान दे रहे हैं किसी किसी को, राजनीतिक चाल पे 5 kg राशन दे रहे हैं, लेकिन आप शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल जितेंद्र राज पूछता और पूरा बहुजन छात्र ये पूछ रहा है कि आप शिक्षा से वंचित क्यों करें? ये भी आपको पता है कि कुछ साल पहले जो 0 फीस पे एडमिशन होता था BEd, BTC, तमाम BTEC में, उसको भी बंद कर दिया गया। सीधा सीधा इन लोगों को इतना फीस को मांगा कर दिया जाए कि दलित, 85, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पहले जैसे शिक्षा से वंचित थे, अब फिर उनको वंचित करके उसी अवस्था में ला के छोड़ दिया जाए। छात्रों की बात तो, छात्र सब बराबर होते हैं, जातिवाद नहीं देखा जाता, बिल्कुल। लेकिन एक तरफ छात्र संघ लिखा कर AK-47 या कोई भी कट्टा बंदूक लेकर फोटो खिंचाते हैं और डालते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो कट्टा बंदूक लिखा है तो छात्र नहीं है,
वो दंगाई है और वो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं होंगे, इसको हम नकार रहे हैं। आपके जो है धरना के दौरान कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, वो कहाँ हैं, मामला कहाँ पहुँचा? हमारे साथी क्रांतिकारी साथियों को मैं क्रांतिकारी इंकलाब पेश करूँगा कि हमारे साथी हंसते हुए जेल गए, क्योंकि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए जेल गए, फिर जेल से छूटे। फिर हमारे उन साथियों को भी मैं धन्यवाद दूँगा जज्बात को कि आमरण समय बैठे, तबीयत खराब हुआ, बेली अस्पताल गए, फिर ठीक हुए, फिर हम लोग का धरना चल रहा, हो सकता है कल से फिर हम लोग तमाम सभी संगठन के लोग, ये भी बता दें कोई एक संगठन है, सभी संगठन के लोग एक होकर इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि शिक्षा सबका सवाल है। शिक्षा किसी दलित का नहीं, किसी OBC का नहीं, किसी 85 का नहीं, ये शिक्षा उन सभी गरीब परिवार OSC ST OBC माइनॉरिटी जनरल उन सभी के अंतिम पंक्तियों में जो गरीब परिवार का तबका का लड़का वो शिक्षा का बात कर रहा है। ये देखिए सीधा सीधा लड़ाई है, मुख्य मांग गरीब बनाम अमीरी की लड़ाई, लुटेरा बनाम कमेरा की लड़ाई है कि गरीब जितने भी हैं उनको हटा दो, अमीर जितने भी हो अडानी अंबानी के ऊपर भी कर दो, सीधा सीधा करा। तो ये धरना आप कर रहे हैं, मुख्य मांगे क्या है, मजबूती से मांगे क्या है, क्या हमारी सीधा सीधा मांग है कि जो जितना फीस था उतना फीस आप करिए, सीधा सीधा फीस मांग है। अगर नहीं करेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। संगीता श्रीवास्तव जो वाइस चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, उनके तक एक खबर पहुंचा दीजिएगा। आपसे ही एक मामला जुड़ा है, आप छात्र नेता हैं और उधर जालौर कांड छात्र था, उस जो पानी पीने से मटका से पानी पीता उसे मार दिया जाता है अध्यापक द्वारा। अब बताइए यहाँ पे नरेंद्र मोदी आज़ादी का अमृत दिवस मना रहे थे, अमृतसर दिवस मना रहे थे, महोत्सव मना रहे थे, हम तो नहीं मनाए क्योंकि हम आज़ाद नहीं हुए साहब, छुआछूत से आज़ाद नहीं हुए, गरीबी अमीरी से आज़ाद नहीं हुए, जातिवाद से आज़ाद नहीं हुए हैं, उस पीते हुए बालक एक का उससे हम आज़ाद नहीं हुए। आप देखिए कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे और ये उसी का जलोर का लड़का जो कच्चा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि जातिवाद क्या होता है, छुआछूत क्या होता, वो लड़का उसका कसूर था प्यासा कोई भी हो भैया, जब वो पानी पीने गया तो उसको मार दिया जाता है। आरोपी के समर्थन में करनी सेना के बड़े बड़े नेता जो है सभा लगा के भीम सेना भीम आर्मी या बहुजन संगठनों को चेतावनी दे रहे हैं। तो भैया करणी सेना हो गई, हिंदू सेना हो गई, RSS हैं कौन, ये तो सामंतवादी ही लोग ही तो हैं, ब्राह्मणवादी ही लोग तो हैं, तो या उनको ही तो प्रोटेक्शन देंगे, हमको आपको थोड़े नहीं। नरेंद्र मोदी तो खुली चेतावनी देता है कि तुम जाओ करो, अंदर से तुम करो, अंदर से हम कहें सपोर्ट, बा फ्रंट पे तुम खेला खेलो, तो हम उनसे क्यों उम्मीद कर रहे भैया, करणी सेना तो वही है, सामंतवाद हो गया, सामंतवादों को तो बचाएगा। से चिल्लाते हैं सभी हिंदू हैं लेकिन वो सामने नहीं आते हैं और दोषी के पक्ष में जाते हैं, तो वही क्या हिंदुत्व कब आता है, जब इनका चुनावी फंड आता है तब हिंदू याद आते हैं, जब चुनावी नहीं रहता तो तुम दलित रहते हो, तुम मुसलमान रहते हो, वो पटेल वो धोबी रहता है।